हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है WCDC कार्यालय उपसंचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक। इसके अंतर्गत संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन है। इसकी अंतिम तिथि 26 दिसंबर को है। तो इस आवेदन को कैसे करना है, इसमें डायरेक्ट आवेदन फॉर्म को भर के कार्यालय में जमा करना है। और ये संविदा है, एकमुश्त इसमें वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त और कोई भी देय नहीं होगा। इसको एक बार हम देख लेते हैं, एक बार विषय को पढ़ते हैं कि विषय क्या है। WDC PMKSY 2.0 मतलब जल ग्रहण परियोजना अंतर्गत WDT संविदा के रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में है ना। ये देखते हैं आगे क्या क्या पद हैं, किस प्रकार से हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है परियोजना स्तर में पद का नाम, परियोजना का नाम है इसमें है ना, विकासखंड कोटा। कोटा विकासखंड के अंतर्गत है क्योंकि बिलासपुर का है ये। WDC PMKSY पद नाम है WDT सदस्य यांत्रिकी। इसमें रिक्त पदों की संख्या है एक है, वो भी UR अनरिजर्व्ड, और मासिक संविदा वेतन है 27,740। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है न्यूनतम BTEC कृषि अभियांत्रिकी, BE Civil 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। वांछनीय में है मृदा एवं जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता, कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक। दूसरा जो पद है वो है WDT सदस्य। इसमें है एक पद है, इसकी सैलरी भी उतनी ही है और इसमें न्यूनतम योग्यता है BSc। इसमें कृषि, वानिकी, उद्यानिकी, मत्स्य। और वांछनीय में है मृदा एवं जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। और अलग है WDT सदस्य समूह विकास अनरिजर्व्ड में है, 1 है MBA अथवा प्रबंधन में स्नातकोत्तर, ग्रामीण में प्रबंधन विकास में स्नातकोत्तर, डिप्लोमा सामाजिक कार्य समाजशास्त्र में, ये सारे चीज़ इसमें हैं। और एक है लेखापाल, इसमें सैलरी इसकी अलग है 20,900 है। और मान्य संस्थाओं से कंप्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक में उल्लेखित प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा ना। किसी भी संस्थान से टेली में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा, और किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट CA से आर्टिकलशिप का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अब नियम एवं शर्तें देखते हैं। 1 वर्ष के लिए रहती है संविदा इसमें, और WCDC आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा। 1 वर्ष का है पर वृद्धि का निर्णय भी ले सकते हैं। संविदा नियुक्ति की अवधि परियोजना अवधि के समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी। अगर परियोजना समाप्त हो गई तो संविदा स्वमेव समाप्त हो जाएगी। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि मैंने पहले बताया 26 दिसंबर 2022 कार्यालयीन समय तक। आवेदन पत्र के साथ 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, अनुभव, जाति, निवास प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। समय सीमा के पश्चात विचार नहीं किया जाएगा। पृथक पृथक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन करना होगा। अगर एक ही कैंडिडेट है 2 पद में आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन उनको देना होगा। और ये है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मतलब निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, सीधे नहीं स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार होंगे, मतलब पहले ही आवेदन करना होगा तभी पहुंच पाएगा। A4 साइज में टाइप किए गए आवेदन पत्र कार्यालय उपसंचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC बिलासपुर पिन कोड ये 495001 के समक्ष प्रस्तुत करें। आवेदन का प्रारूप संलग्न है, इसमें आवेदन का प्रारूप भी लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ रोजगार का जीवित प्रमाण पत्र करना आवश्यक है रोजगार कार्यालय का। और जन्मतिथि के लिए हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मेट्रिकुलेशन। संविदा नियुक्ति के लिए आयु सीमा एवं छूट है जैसे रहता है उस प्रकार से। और देखते हैं कि और क्या चीज़ इसमें स्पेशल है। ये आप वेबसाइट से जाके भी निकाल सकते हैं, और ये मैंने वीडियो में भी शेयर किया हुआ है आवेदन पत्र का प्रारूप, इसको देख के भी आप आवेदन बनवा सकते हैं। देख लीजिए इसमें आवेदन, ये पूरा डिटेल है इसमें आवेदन का, इसको भर के पोस्ट कर सकते हैं जो एड्रेस दिया हुआ है उसमें। ये देखिए लास्ट है ये घोषणा पत्र।
तो थैंक यू सो मच।